good morning, all of you. Again, Sony ma'am here. I'm here with English class, but before that, कुछ अच्छी बातें जो बहुत important होती है. You know, हम कई बार क्या करते हैं? What we do sometimes, we throw the bottles and big boxes. चाहिए वी शुड यूज दैट बॉटल से हम क्या यूज कर सकते हैं वी कैन मेक द पेंसिल बॉक्सेस वी कैन मेक अ डॉल वी कैन मेक अ फ्लावर वास वी कैन ग्रो सम प्लांट्स इन दैट देर आर सो मेनी वेज टू यूज दैट आप बॉक्सेस से क्या कर सकते हैं यू नो शूज बॉक्स जो शूज बॉक्स से जो है हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें बना सकते हैं अवर ज्वेलरी बॉक्स वी कैन मेक अवर पेंसिल बॉक्स सो मेनी पेंसिल वी कैन कीप इन दैट आई एम गिविंग सम आइडियाज दीज आर फ्यू आइडियाज बट यू कैन मेक मोर देन दैट बहुत सारी चीजें बना सकते हो ओके मम्मी को बोलो मम्मी के साथ बैठ के डू सम क्राफ्ट with waste material okay so let's start our class today is our english class and we will work in our assignment let's come with me our topic is look at the picture and complete the word this is bin how to write yahan pe blanks hain dekhiye sab jagah pe blanks hain to humko ye blank ko fill karna hai b in bin The boy is digging the mud. D e g dig. It's a kid. छोटे baby को kid कहते हैं छोटा baby नहीं है आप लोग भी kids ही हैं K e d kid. देखो ये k kit में भी आता है k it kit में भी आता है ये वाला k. Okay. This is lit. L e t lit. It's a fruit. Its name is fig. मैंने बोला था ना अंजीर को फिग कहते हैं और इट्स अ वेरी हेल्दी फ्रूट तो ये खाना बहुत जरूरी है इट्स इंक्रीज अवर हीमोग्लोबिन फ ई ग फिग मालूम जो फिल इन द ब्लैंक्स देने से क्या होता है हमारा आईक्यू लेवल जो होता है ना बड़ा शार्प हो जाता है हम दिमाग से सोचते हैं फिर हम लिखते हैं स ई एक्स एक्स ओके And this is zip. हमारी ट्राउजर में जैकेट्स में सब जगह zip होती है z e p zip z e p zip p e n pin. You should not touch the pin. It's a very sharp thing. P e g pig pig says grunt grunt. Okay. Next page is tick the correct word. This is the picture of bib. Here bib and big. Which is correct? Bib. ऐसे ही आपको सारे करने हैं लिप लिट और लिप लिखा है लिट और लिड लिखा है दिस इज लिट कवर द ग्लास विद द लिड कलर द लंच बॉक्स विद द लिड विग पिग सिट मैं इसको नहीं कर रही बिकॉज यू ऑल कैन डू इट योर सेल्फ नाउ हाँ हाँ ये हमने किया था राइट टू राइमिंग वर्ड्स बिग बिग के यहाँ पे कोई भी एनी टू राइमिंग वर्ड यू विल राइट योर सेल्फ आई विल नॉट टेल यू एक आपको बता देती हूँ दिस इज बिग विग फिग बाकी सब आप अपने आप करेंगे फाइन नाउ आफ्टर दैट ओके किड्स वी विल डू दिस एक्टिविटी कलर द पिक्चर दैट हैव साउंड ऑफ आई मीन्स देर आर सो मेनी पिक्चर्स आर हियर जिसमें आई की साउंड आ रही है वी विल कलर दैट पिक्चर अभी सी दिस इज पिग आई की साउंड दिस इज हैन नो क्लाउड्स नो बिब यस लॉग नो लिप यस सो स्टार्ट कलरिंग आई विल जस्ट टेल यू विच कलर यू विल डू In that pictures, you will fill pink color. इसके अंदर हमको pink color करना है. Pink के अंदर fill pink color.
Like this, you will fill the pink color in it and you can make the eyes with sketch pen. Sketch pen से उसकी हम eyes को थोड़ा darken कर सकते हैं. Okay, highlight कर सकते हैं. And tail को भी. Okay, color it like this. Then lip. Lip कौन से color के होते हैं? Normally we fill the red color in the lip. तो लिप में हमको रेड कलर. सी स्माइलिंग लिप. नाउ इट्स बेब. हु यूज द बेब? किड्स यूज द बेब. स्मॉल बेबीज होते हैं ना, ताकि उनका कपड़े स्पॉइल नहीं हो जाए, स्प्रेड हो जाता है दूध या फूड्स उसके ऊपर गिर जाता है, तो क्लोज कैन डर्टी, वो डर्टी हो सकते हैं. सो उसको डर्टी नहीं हो तो वी यूज द बेब. तो वट वी विल डू, वी विल फिल द एनी कलर. मैं यहाँ पे आई एम फिलिंग येलो कलर और इन साइड आई विल फिल अनदर कलर इन द फ्लावर. लेट्स डू. सो आवर दिस पेज इज कम्प्लीटेड. इस तरह से आपको ये वाला अपना पेज कम्प्लीट करना है. ओके, यू विल डू दिस एक्टिविटी. मैच द पिक्चर विथ करेक्ट वर्ड. फर्स्ट मैंने आपको हमेशा बताया है, वी विल नॉट सी द पिक्चर्स, वी विल रीड इट. हम इसको पढ़ेंगे. बे बिब, फाइंड आउट द बिब. बिब के साथ मैच कर लीजिए. बिग, एलिफेंट बिग है तो दिस इज बिग. इसी तरह से यू विल मैच योर सेल्फ. आपको अपने आप मैच करना है. दिस इज द आर्ट इंटीग्रेटिव एक्टिविटी. आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी है. इसमें हमको क्या करने हैं? कलर द वर्ड्स दैट हैव साउंड ऑफ आई. जिसमें कलर, उन वर्ड्स को हमको कलर करना है जिसमें आई की साउंड आ रही है. इन द पिक्चर विथ पिंक कलर. पिंक कलर मींस जिसमें आई की साउंड आ रही है उसको हमको पिंक कलर से कलर करना है. कलर द वर्ड दैट डज नॉट हैव द साउंड ऑफ आई. जिसमें डज नॉट हैव मतलब जिसमें आई की साउंड नहीं आ रही उसको ग्रीन कलर करना है. सो लेट्स डू दिस. देखिए मैं सिर्फ वन करके दिखा रही हूं. अदर पिक्चर वर्क यू विल डू योरसेल्फ. देखिए यहां पे आई साउंड है. सो आई विल कलर दिस पिंक कलर से कर दूंगी मैं इसे. यहां पे भी आई है, पिंक कलर से कर दूंगी मैं. सिर्फ आई एम पुटिंग द डॉट. ये आई है पिंक कलर, आई है पिंक कलर, आई है पिंक कलर, आई है पिंक कलर. यहाँ पे देखिए आई की साउंड आ रही है पिंक कलर. यहाँ आई की साउंड आ रही है पिंक कलर, आई की साउंड पिंक कलर. सो ऐसे भी हमको पिंक करना है. और अदर में जिसमें ई की साउंड, यू की, ओ की, ए की आ रही है, इसमें ग्रीन कलर एक में कर दिया. अदर में यू विल डू योर सेल्फ. अब यहाँ पे नेक्स्ट है, दिस इज द फाइंड द पिक्चर. इसमें हमको पिक्चर फाइंड करनी है. कलर द वर्ड दैट हैज एंडिंग साउंड इन विद येलो कलर. अभी उसमें जो एंडिंग साउंड आ रही है इन आ रही है इन. जैसे इसमें देखो टिन, वी विल कलर विद येलो कलर. इसमें इन लास्ट साउंड इन आ रही है ना, देखिए ये this is in, this is in, this is in. और कहीं इन है? Yes, here in. तो इनको हमको सिर्फ येलो कलर करना है. वी विल डू येलो कलर. मैं नहीं कर रही पूरा, यू विल डू योर सेल्फ. तो देखो क्या बन जाएगा, हमारी फिश बन जाएगी. सो यू विल डू दिस एक्टिविटी आल्सो. ठीक है.